उन्होंने अपना घर का परिवार का जो भी वो इंतज़ाम कर सकते थे उस योजना के माध्यम से उनको एक आर्थिक सहारा मिल रहा था। पिछले वर्ष नरेगा में 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस साल के बजट में सिर्फ 73,000 करोड़ का आवंटन सरकार ने किया। 2018-19 यानी 3 वर्ष पहले औसतन 51 मैन डेज मिलते थे, जहां 100 दिन का रोजगार योजना में देने हैं, 51 दिन केंद्र सरकार दे रही थी, जो एक अन्याय है, और वो इस बजट ने और घटा दिया। सिर्फ 44 दिन का काम इस योजना में हम मजदूर को देना चाहते हैं। तो फिर रोजगार के लिए भी आपने देखा, बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं कि नौजवानों को उम्मीद मिल सके, और किसानों के लिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप, जो एक नई योजना प्रधानमंत्री ने चालू की थी। पिछले साल का बजट 4,000, इस साल का बजट 2,000 करोड़, आधा कर दिया। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, पीएम फसल बीमा योजना, उसका बजट घटा दिया। तो ये संकेत हैं कि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे यूपी की हो, और ये एक फ्रेज को यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी को, डबल इंजन सरकार, ये डबल इंजन की मार पड़ रही है किसान पर और नौजवान पर। तो आज कह रहा ना कि इस धरती पर हम लोग साथ मिलके आए हैं एक संदेश देने। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है, और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है। धन्यवाद। हमारे साथ प्रेस में जयंत चौधरी जी, और दोनों दलों के जिलाध्यक्ष, आरएलडी के जिलाध्यक्ष मुकेश सैनी जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक, और हमारे साथ तीनों प्रत्याशी जो गठबंधन के वो मौजूद हैं। मैं सबसे पहले यहाँ के तमाम स्वतंत्रता सेनानी, जिनके संघर्षों से और जिनको आज भी हम लोग याद करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जहाँ पहले चरण का चुनाव किसानों का चुनाव होने जा रहा है, ये इलाका वो है जहाँ किसान जागरूक भी है, किसान समझदार भी है, और किसानों के लिए जिन्होंने सबसे पहले एक रास्ता दिखाने का काम किया, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया, मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूँ। उनका लगातार अपने जीवन में जो प्रयास रहा, उनका लगातार जो संघर्ष रहा, उससे आज किसान जागरूक है। जहाँ चुनाव होने जा रहा है, ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। जो नकारात्मक सोच से राजनीति करना चाहते हैं उन्हें हटाना चाहते हैं, और आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देख लिया है इतना आक्रोश और तिरस्कार किसी भी नेता का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके लोगों का हो रहा है। जहां जहां से आप जानकारी करेंगे वहां खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन गांव में जा रहे हैं वहां जनता आक्रोश में है, और कई जगह इनके विधायक, इनके नेताओं को तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। कल ही देश का बजट आया, कहते हैं अमृत काल का बजट है, अमृत बजट है, तो पिछले जितने भी बजट थे वो क्या जहर थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। अमृत काल का बजट अमृत बजट कहना, पिछले जो भी बजट थे वो जहर समान थे क्या?
और अगर हम सही मायने में देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए क्या है, गरीबों के लिए हीरे सस्ते किए हैं, चप्पल जूते सस्ते किए हैं। कितने गरीब को लाभ होगा हीरा अगर सस्ता हो जाएगा तो? जूते चप्पल सस्ते किए, और सच तो यह है कि रोजगार को लेकर के और अपनी परेशानी को लेकर के लोगों के जूते घिस गए हैं, एक भी परेशानी का ये निराकरण नहीं कर पाए हैं। इसलिए जहां भारतीय जनता पार्टी निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही, नकारात्मक राजनीति कर रही है, गठबंधन भाईचारा को लेकर के आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि शामली में भाईचारा का स्तंभ बनेगा, तीनों के तीनों प्रत्याशी गठबंधन के ऐतिहासिक जीत जीत करके जाएंगे। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं जनता को, जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने वादे किए उन वादों को पूरा करेंगे। सबसे बड़ा यहाँ के कर्मचारियों की मांग हमेशा रही कि ओल्ड पेंशन बहाल हो। मैं अपने कर्मचारी संगठनों को और कर्मचारियों को भरोसा दिलाता हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, वहीं घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट और सिंचाई पहले की तरह किसानों को मुफ्त होगी। ये सरकार ऐसी है जो खाद नहीं दे पाई, अभी भी चीनी मिलों का भुगतान नहीं कर पाई, और जहाँ पर बिजली उत्पादन बढ़ाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी ने केवल बिजली महंगी की है। जिसके पास भी बिजली का बिल आता होगा उसे जरूर बिल देख करके करंट लगता होगा। हम दोनों लोग गठबंधन के लोग एक उम्मीद के साथ जनता के बीच में आए हैं, उम्मीद और डर का चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आने वाले समय में भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से 100 नंबर जो अब 112 हो गई है, पहले तय था कि हर 8 किलोमीटर पे एक गाड़ी होगी या 12 किलोमीटर के बीच में गाड़ी होगी। अगर कानून व्यवस्था को और ठोस कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अगर गाड़ियों को बढ़ाना भी पड़ेगा और फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में फोर्स बढ़ेगी। अभी तो पुलिस को जो इंतजाम किया था कि 15 मिनट में पहुंच जाए, 20 मिनट में पहुंच जाए, लेकिन जब गाड़ियां दुगनी हो जाएंगी तो मैं समझता हूं पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम जो बनाया था समाजवादियों ने वो कम समय में मदद के लिए पहुंच जाएगा, और जो भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं ये भरोसा दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर शामली की जनता से और आसपास के हमारे जितने भी पहले चरण के चुनाव हैं, मैं अपील करता हूं अपने प्रेस के साथियों के माध्यम से कि एक एक प्रत्याशी को जिताने का काम करें। लगातार हम लोग जा करके अपील कर रहे हैं कि जिताएं। यहाँ के इस गठबंधन और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रसन्न चौधरी जी, मैं उनके समर्थन में आपसे अपील करता हूँ उनकी मदद करें। दूसरे प्रत्याशी अशरफ अली हैं, मैं उनके लिए भी सहयोग चाहता हूँ, समर्थन चाहता हूँ। तीसरे नाहिदन की और समाजवादी पार्टी के इकरा हसन बैठी हैं, मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनके समर्थन में भी और उनके सहयोग में भी आप सबसे अपील करता हूं कि ऐतिहासिक वोट देकर के ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें। आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद कर सकते हो? मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बिजली का बिल सस्ता होगा कि नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन मैं नहीं सुन रहा हूं, पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं कर दी उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया, जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं। कभी मुख्यमंत्री से पूछिएगा उनका दल कौन सा है,
क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। जैन चौधरी जी का जो सम्मान है, पहले चुनाव से हमारे साथ हैं और लगातार समाजवादी पार्टी उनको वही सम्मान देती रहेगी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि किसान इस बार समर्थन कर रहा है गठबंधन का, और किसान ये महसूस कर रहा है कि उसके मान सम्मान का चुनाव है। क्या लोग भूल जाएंगे? वो जीप चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर जिनकी जान चली गई, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है कुछ? इसीलिए मैंने कहा ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कई नकारात्मक राजनीति है, उनके हर भाषण में नकारात्मक देखोगे आप, लेकिन इस गठबंधन के साथ उम्मीद है कि किसानों की सिंचाई माफ होगी, हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होगी और बिजली घरेलू माफ होगी, किसानों का 15 दिन में भुगतान होगा। मुझे याद है जिस समय संकट था, पेमेंट नहीं हो पा रहा था, बजट से पैसा दिया गया था, 2000 करोड़ रुपया किसानों को बांटा गया था। आने वाले समय में तय किया है कि चाहे फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़े, फार्मर्स के लिए कहीं से फंड अलग से रखा जाए जिससे कि किसानों को धरना न देना पड़े, ये व्यवस्था लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कौन कह रहा है? अरे तुम लगा दो टीका। कौन कह रहा है? मैं तो कहूंगा केशव प्रसाद जी आए, हमें जीत का टीका लगा दें आके। ये देखिए वो कंफ्यूज हैं। जब से हमारी और जयंत चौधरी जी की केमिस्ट्री बेहतर हुई है, और केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन, और जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं उनका राजनीतिक पलायन उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है, ये भाईचारा का चुनाव होने जा रहा है। सब एकता पसंद कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को पसंद कर रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां ना बतानी पड़ जाए, इसलिए जानबूझ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इनका सवाल फिर मैं आपका ले। जी, मैं कई बार देखता हूं नौजवानों को अपनी नौकरी को लेकर के या खेल में कहीं ना कहीं प्रतिभागी के रूप में शामिल होने के लिए देखता हूं, सड़क में, खेत में या जहां भी टेम्परेरी व्यवस्था कर लेते हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को भरोसा दिलाता हूं, जिस समय नेताजी ने शुरू किया था यश भारती सम्मान और लगातार खिलाड़ियों को दे रहे थे, उनका भोजन, पौष्टिक आहार बढ़ाना, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि वेस्टर्न यूपी में बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं खेल में और खेल में रुचि रखते हैं। आने वाले समय में अगर हमें ब्लॉक स्तर से नीचे भी जाना पड़ा दौड़ने के लिए और सुविधाएं देने के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, बागपत में सुखिंदर तोमर अर्जुन अवार्डी प्लेयर थे, एक बार उन्होंने कहा कि उनके गांव में बहुत से बड़े खिलाड़ी हैं, वो चाहते हैं कि एक स्टेडियम बन जाए। उसी समय सरकार ने फैसला लिया, आप पता करिए, वहां पर स्पोर्ट्स को लेकर और खासकर कुश्ती को लेकर के एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। आने वाले समय में वेस्टर्न यूपी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा काम होगा और प्रायोरिटी पे काम करके समाजवादी पार्टी दिखाएगी। ए मैं इनका खत्म हो जाए फिर मैं कब बता दूंगा कानून व्यवस्था। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ का युवा सड़कों पर दौड़ लगाता है,
अगर मैं ठीक है, मैं पत्रकार साथी का सुझाव है, क्योंकि मैं मैनिफेस्टो में ये चीज़ लाना चाहता था, लेकिन क्योंकि आप शामली में सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि बच्चों के पास बहुत अच्छे शूज़ नहीं होते हैं, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, उनके पास कोई एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए भी कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं होता है, तो वो जो प्रयास करके अपने ही से सीखते हैं। मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि गाँव स्तर पर भी अगर हमें रनिंग ट्रैक देना पड़ा, लेकिन उसमें ज़मीन की थोड़ा सा मदद सहयोग अगर ग्राम वाले करेंगे, तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। अगर अच्छे रनिंग ट्रैक उपलब्ध करा दें गांव स्तर पे, तो कराने का काम करेंगे। अरे ऐसे तो किसी का सवाल नहीं सुन पाएंगे। क्या चीज? जोगी जी कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में दंगे दंगाइयों को साथ देते थे, तमंचे की फैक्ट्री बनती थी, और डेवलपमेंट के नाम से बता रहे हैं कि डिफेंस कॉरिडोर बनाया है और दोबारा जेवर एयरपोर्ट की बात की। सर आप तमाम देखिए फैक्ट्री पकड़ी जा रही है हथियारों की अभी भी, और ये पहले कहते थे पहले अखिलेश जी के राज में। अरे मैं आपको बताऊं, फैक्ट्री नहीं, न जाने कितनी शराब पकड़ी जा रही है। अभी रायबरेली में कितने लोग जान चली गई, और जितना भी शराब का ये गैर कानूनी काम हो रहा है, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, और आप पत्रकार साथी हो, सब जानते होंगे कौन कौन इसमें शामिल है। क्या नहीं नहीं ये हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़े पैमाने पे धाराएं लगी थीं, और डिप्टी सीएम पे भी लगी थीं। दोनों पे जितने मुकदमे थे, इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं बने हुए। जहां तक समीक्षा का सवाल है, मुख्यमंत्री जी पर गंभीर धाराएं हैं, अगर कोई दरखास्त देगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अब आप समझ लो, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जिनसे जिन अधिकारियों से काम लेती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन अधिकारियों से काम लेती है उन्हें सम्मान दिया जाता है। ये जो हमारी दोनों की केमिस्ट्री है, इससे अनर्ग बातें कर रहे हैं वो। अच्छा ये बताइए, नहीं नहीं नहीं, ये हमारा साथी पोर्टल के हो गए। अच्छा दैनिक जागरण तो हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि विकास कितना का है। मैं तो चाहूंगा कि जितना विकास समाजवादियों ने किया, आज भी वो काम दिखाई दे रहा होगा। जहां जो सब स्टेशंस हैं, अरे रुक जा भाई, जो चाहे वो बिजली के सब स्टेशन बनने हो, फीडर सेपरेशन होना हो, सबसे ज्यादा हुआ। आसपास के जितने भी फोर लेनिंग का कर सकते थे, जहां सहयोग सरकार से मिलना था वो भी दिया, प्लस फोर लेनिंग को भी बढ़ाया। जो आज बिजली मिल रही है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो बिजली आज उत्तर प्रदेश को मिल रही है, ये सब की सब समाजवादी सरकार या पुरानी सरकारों की बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक यूनिट बिजली भी नहीं बनाई, उन्होंने केवल बिल ज्यादा जनता को दिए हैं। आखिरी सवाल हमारे चुप बैठे पत्रकार साथी का। ए मैड उनका लेने उनका उनका
कौन सा वार है? अच्छा गन्ना को क्यों नहीं बढ़ाएंगे? गन्ना को क्यों नहीं किसानों को खुशहाल बनाएंगे? किसानों को खुशहाल बनाने के लिए, लगातार उनकी मदद करने के लिए, आर्थिक रूप से मदद करने के लिए गन्ने की कीमत बढ़ेगी। और जब भी समाजवादी आए होंगे तो गन्ने की कीमत बढ़ी होगी। ये देखिए, ये यहाँ से उत्तराखंड कितनी दूर है? उत्तराखंड कितना दूर है यहाँ से? 80 किलोमीटर। जो लोग ये बात कर रहे हैं, कम से कम उन्हें ये सोचना चाहिए, उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा गांव खाली हैं, 1000 गांव खाली हैं। बाकायदा बीजेपी की सरकार ने कमीशन बनाया, आयोग बनाया, जानकारी करने के लिए कि आखिरकार गांव क्यों खाली हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी 5 साल सरकार रही, 1000 गांव खाली हैं, लाखों लोग वहां से पलायन कर गए, क्या उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी? कैराना से लखनऊ पहुंचने के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा, जो कम समय में पहुंच जाओ। आखिरी बात फिर हम लोग जा रहे हैं। मैंने जब जिस समय आरएलडी और समाजवादी पार्टी के मिलकर के सांसद को जिताया था, उस समय मैंने ये कहा था कि इस हिस्से में जोड़ने के लिए अगर एक्सप्रेसवे बनाना पड़ेगा तो चलो, बीजेपी वालों ने गंगा एक्सप्रेसवे तो शुरू किया है, लेकिन बनाएंगे हम ही लोग, और इस हिस्से को आपसे जल्दी लखनऊ पहुंच जाए, 5 घंटे से ज्यादा समय न लगे, ऐसा एक्सप्रेसवे बनाएंगे जिससे आपकी लखनऊ की दूरी कम हो जाए। एक मिनट पूछिए, क्या है?